Arjun. पता है तुम कैसी लगती हो? कैसी लगती हो? परियों, परियों की कहानी में कहानी की राजकुमारी की तरह ना? जमीन भगवान की है, ये तुझे नहीं मिलेगी। तू नहीं जानता, जमीन से लेकर आसमान तक सब कुछ मेरा ही है। रहती हवा, पीने का पानी, सब कुछ मेरा ही है। मैं जिसे त्यागता हूँ वो भगवान का हो जाता है। मैं तुझे त्याग रहा हूँ। मेरा परिवार, मेरा। मैं इतना भी बुरा इंसान नहीं हूँ, तेरे परिवार को भी तेरे पास ही भेज दूंगा। Cut it. आप बोलिए सर। सर, वन मोर शॉट। पैक अप। डायरेक्टर मैं हूं, लेकिन पैकअप वो बोल रहा है यार। तो उसे क्यों झेल रहे सर? तो और क्या करूं, झेलू नहीं तो और क्या करूं मैं। वो बॉक्स ऑफिस का किंग है। देखो, हीरो को इंडस्ट्री पर राज करते देखा है, डायरेक्टर को राज करते देखा है, लेकिन पहली बार विलन को राज करते देख रहा हूं यार। वो ऑन स्क्रीन बस विलन ही है, ऑफ स्क्रीन राक्षस है। वेलकम टू स्टार टुनाइट। आज हम जिस स्टार के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हें परिचय की जरूरत नहीं। 7 साल का करियर, 50 मूवीज और अनगिनत अवार्ड्स, ऐसा कहना रूटीन लग सकता है। बताइए सर। मैं तो उसे सिर्फ इंडस्ट्री में लेकर आया था, लेकिन उसने मुझे कामयाबी तक पहुंचा दिया। वो बस फिल्मों में विलन है, लेकिन मेरे लिए वो रियल हीरो है। वो कोई मामूली विलन नहीं है। हो सकता उससे भी बढ़िया कुछ हो। उसका सिर्फ ब्लड ग्रुप ही नहीं, उसके बॉडी का हर सेल में निगेटिव भरा है। कहते हैं हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक औरत होती है। अगर मर्द हो तो शायद दो होने चाहिए। हमारे अर्जुन की सक्सेस के पीछे भी दो लोग हैं, बॉबी। ये अर्जुन की जिंदगी का पहला इंसान है, बॉबी, और दूसरा इंसान शायद यहाँ बीप लगाना चाहिए। मैं बता रही हूँ, बीप सागर और सीक्रेट स्टार रति सागर, बी ग्रेड फिल्मों का ए स्टार, हमारे अर्जुन का दोस्त, फिलोसोफर, गाइड। आज अर्जुन के साथ साथ इन्हें भी अपने चैनल की तरफ से हम बधाई देते हैं, क्योंकि लगातार 5वीं बार अर्जुन जी ने फिल्म फेयर बेस्ट विलन अवार्ड जीता है। आज सुबह हॉस्पिटल में ही उस लड़की की मौत हो गई। सच में? 20 साल की लड़की थी, सोचा था सहलेगी। हाँ, आजकल के बच्चों में जंक फूड की वजह से कोई हिम्मत या ताकत तो बची ही नहीं है। बुरा हुआ। हाँ शौर्या, उस परिवार को मेरी तरफ से सहानुभूति दे देना।
मैं आजकल नॉनवेज ज्यादा खा रहा हूँ ना, इसलिए दांतों के बीच में गैप आ गया है। इस नौकरी में कुछ तो है। हमारे देश के सारे डिपार्टमेंट में से ज्यादा मौत पुलिस वालों की होती है, फिर भी हमारे पुलिस अकेडमी युवा के साथ चमक रही है, और हमारे पास दिमाग और ताकत दोनों है, इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। ऐसे में आधी रात को सुरक्षा के लिए एक लड़की पुलिस स्टेशन गई। छी। उस लड़की ने मरते वक्त एक ही बात कही, मेरा ये हाल करने वाले को मार दो। मैंने उसे वादा किया है। हॉस्पिटल से डीएनए रिपोर्ट्स मिली हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मर्डर और रेप के सारे सबूत हैं। उन सबूतों के साथ तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं, या फिर मुझ पर अटैक किया ये बताकर शूट भी कर सकता हूं। मैंने कई एनकाउंटर्स किए हैं, एक और सही। अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे सबूत दिखाने पड़ेंगे। ये बात जानकर तेरी बीवी पागल हो जाएगी, और तेरी बेटी जो 10 साल की है तेरे पास भी आने से डरेगी। अगर तूने आत्महत्या कर ली तो ये बात मुझ तक ही रहेगी। सरकारी नौकरी करते हुए मर गया, सिंपथी भी मिलेगी, और सरकार से मिलने वाले बेनिफिट्स तेरी फैमिली को मिलेंगे। सर, मैं चाहता हूं आप अपनी मौत खुद ही सिलेक्ट करें। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, कोई भी चूज कर लो। गन, आप जैसे घटिया इंसान के लिए मैं इल्लीगल गन लेकर आया हूं। इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये आवाज करती है। जहर, ये पीने के बाद अगर बच गए तो मैं मार डालूंगा। और आखिरी ऑप्शन है, ये बिल्डिंग 23 माले की है, यहां से कूद के तो मर ही जाएगा। सस्ता सुंदर टिकाओ, मेरे 3 गिनने तक सोच ले तुझे कैसे मरना है। 1, 2, 3। नाइस शॉट। थैंक यू। हाय शौर्या जी। हाय बोलिए। आपकी फिल्म के को-स्टार अर्जुन जी को बेस्ट विलेन अवार्ड मिला है, आपका क्या कहना है? फिर से अवार्ड? अच्छा, इस बार उसने कितने में खरीदा होगा? पता नहीं, ऑस्कर अवार्ड भी बिकता है, उसे बोलो वो खरीद ले। आपको इंटरव्यू में मसाला चाहिए था ना, लो मिल गया। ए, मेरे परिवार को मुझसे अलग किया, सह लिया, मेरी जायदाद भी छीन ली, मैं चुप रहा। आज मेरे स्वाभिमान को लात मारी है, छोड़ूंगा नहीं। सोचा था पहली मार में मेरे बारे में समझ जाएगा, नहीं समझा। दूसरी मार से मेरी ताकत जान लेगा, नहीं जाना। तू जिस घमंड के साथ बात करता है ना, वो मेरे दिल में सुई की तरह चुभता है। तुझे तो देख लूंगा। ए, मेरे खिलाफ जाने वालों की समाधि से बना साम्राज्य है ये। अरे कैलेंडर में आज का दिन लिख ले, अगले साल इसी दिन तुझसे ज्यादा पैसे कमाकर, तुझसे बड़ा आदमी बनकर, तुझसे भी बड़ा घर बना। कट कट कट, वन मोर। नहीं, नो मोर। सर 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 प्लीज सुनिए सर, उसके लिए भले ही नहीं लेकिन सर मेरे लिए वन मोर प्लीज। मैंने उससे नहीं कहा, तुझसे कहा। सर आप फिकर मत कीजिए, मैं मैनेज कर लूंगा। ओके। अच्छा, तो कमाल का मैनेजर है। एक काम कर, कल शूटिंग नहीं करूंगा, मैनेज कर ले। कैमरामैन, हीरोइन का एक टाइट क्लोज। तू ही बोल। तू बोला क्या है? वो भवानी प्रसाद, 3 महीने से लड़की देखने को कह रहा है। और वेट नहीं कर सकते इसलिए मना कर दिया। वेट किया था बहुत तो उन्होंने मना कर दिया। हाँ मना कर दिया। कल मुझे उस लड़की से मिलना है। वो मुझे कैसे मना कर सकती है? कल ही उससे मिलकर मैं कहूंगा कि तू मुझे नहीं चाहिए। अब वैसे उसका नाम क्या है? नंदिता। क्या हुआ, मिली क्या? 2 घंटे से वेट कर रही हूँ, उसका तो अता पता ही नहीं है। किधर है यार? वो मेरे लिए सही तो है ना?
नंबर वन, बातों के बीच फोन को टेबल पर छोड़कर रेस्ट रूम जाओ। अगर उसने तेरा फोन चेक किया तो वो तेरे लिए सही नहीं है। नंबर टू, वेटर को बुलाकर अर्जुन पर थोड़ा पानी गिराने को बोल, देख कैसे रिएक्ट करेगा। लड़की से मिलने आया था, फिर भी अगर ड्रेस खराब करने वाले को कुछ नहीं कहा तो जरूर अच्छी तरह तेरा ख्याल रखेगा। वाह, और तीसरा क्या है? वो तेरे साथ कैसा बर्ताव करता है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आसपास के लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता है। ओके ओके ठीक है, बाय, थैंक यू। लगता है तुमने बहुत वेट किया। बहुत वेट किया, वो देखो जब मैं आई थी ना वो दोनों सिर्फ दोस्त थे, अब लवर्स बन गए हैं। जोक था क्या? नहीं सच में, आपकी जैकेट बहुत अच्छी है। तुम्हारी ड्रेस बेकार है। जानती हूँ मैं। जानती हूँ तो फिर क्यों पहने? रोज खुद को सुंदर देखकर ना बिल्कुल बोर हो गई थी, एक दिन बेकार के कपड़े पहनकर कैसा लगता है देखना था। जस्ट अ मिनट। हाँ अच्छा है, प्राइवेसी दे रहा है। Hey! जी सर। मुझे नहीं पता तो क्या करेगा, 5 मिनट में ये जगह खाली होनी चाहिए, जितने पैसे चाहिए उतने ले ले। सर बात ये है कि आपके पैसों से ज्यादा हमारे कस्टमर्स का सेटिस्फेक्शन जरूरी है, इसलिए नहीं होगा सर। तेरे ओनर को बोला जितना चाहिए उतने पैसे लिख ले, अब से ये रेस्टोरेंट मेरा है। वैसे मेरे यहाँ आने की वजह मुझे तुम नहीं चाहिए, बाय। यहाँ आते वक्त महंगी कार में आए थे, अच्छे कपड़े पहनकर आए थे, लेटेस्ट मोबाइल भी लेकर आए थे, थोड़ा सा कैरेक्टर भी लाना था। तुमने मेरा फोन चेक नहीं किया तो ये लगा कि प्राइवेसी दे रहे हो, मुझे इतनी प्राइवेसी भी नहीं चाहिए थी। तुम्हारी ईगो, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा गुस्सा, इतने सामान के साथ तुम कहीं नहीं जा सकते। लेकिन एक बात के लिए थैंक्स, मुझे तुमसे बचाने के लिए। तुम्हारे साथ जो वक्त बिताया उसे डस्टबिन में फेंक कर जा रही हूँ। सर ध्यान से, सर ध्यान से, सर प्लीज सर ध्यान से, सर आप क्या कर रहे हैं सर? आप ड्राइव नहीं कर सकते सर? सर मैं, सर प्लीज सर आप ड्राइव नहीं कर सकते सर? मैं चलाता हूँ ना सर। सर प्लीज प्लीज सर क्या कर रहे हैं आप? अर्जुन आराम से। वो कहां पर है? कौन? जिसने मुझे बचाया, ड्राइवर शिवा। मुझे उसका नाम भी नहीं पता, मुझे एक बार उसे मिलना है। अर्जुन अर्जुन एक मिनट। बॉबी, 2 करोड़ का चेक लिख कर देना। मुझे नहीं चाहिए सर। रख लीजिए। रख लीजिए इसे। नहीं सर, मैंने आपकी जान आपके पैसों के लिए नहीं बचाई है। कल रात जब आपको यहां लेकर आया था तो मुझे नहीं लगा था कि मैं जिंदा बचूंगा। आपको चाहे कोई कुछ भी बोले लेकिन मैं जानता हूं कि आप बहुत अच्छे हैं सर।
ए, देख क्या रहा है, दरवाजा खोल। नया है वो, क्यों चिल्ला रहे हो? ठीक से पकड़ना, किसने टिकट दिया इधर का? ये कौन है? वही सर, गरीब किसान। अच्छा खासा हट्टा कट्टा है, गरीब किसान कहाँ से लगेगा? हेलो सर। परफेक्ट है, आप किसान के बिल्कुल सही है। टेलर बेट कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर डायरेक्टर ने नहीं लिखा है, टेलर ने लिखा है। ओए, एम्बुलेंस आ गई क्या? आपका ब्लड ग्रुप क्या है? मतलब शूटिंग के शॉट में मार मार के थोड़ा लोगे क्या? कम मारेंगे तो भी ब्लड की जरूरत पड़ेगी, पेप्सी कोको कोला की नहीं। अरे सर आ गए, रेडी करो, रेडी जल्दी। कैसे हो तुम? ठीक तो हो ना? अब तक तो ठीक हूँ सर। ये कैसा गेटअप है? माँ कसम सर, कब से कह रहा हूँ ये गेटअप मुझ पर सूट नहीं होता, जबरदस्ती रखा है सर, ऊपर से कह रहे हैं कि टेलर मेड है। अच्छा, आओ सेल्फी लेते हैं। जा, माला पहनाने के काम आएगी। शॉट रेडी है सर। ओके, एक्शन। रे, बीज बोया और पानी डाला और उसके बाद क्या क्या था? वन मोर। एक दो। एक्शन। रे, पौधे में कीड़े पड़ गए, उसको मैंने फेसबुक पे अपलोड कर दिया, उसके लिए दवाइयाँ मैंने गूगल में सर्च की, उसे इस्तेमाल कैसे करना है ये मैंने यूट्यूब पर सीखा है। Who are you? बीज बोए थे क्या? नहीं ना। पानी दिया था क्या? नहीं ना। खाद डाली थी क्या? नहीं ना। फसल काटी क्या? कुछ नहीं किया। Who are you to play with my wife? Sorry, life. मम्मी आ रही। सॉरी सर, धीरे मारिए। वन मोर। Take 11. Action. Who are you playing with my wife? Sorry, life. One more. Take 15. Playing with my wife. Sorry, life. Hit me, yaar. Life. Wife. Hanje, इस सीन में फाड़ कर रख देना। जो। हाँ। Start camera. Action. मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज मुझे कुछ मत कीजिए, प्लीज। Cut it. मैंने कुछ भी नहीं किया। Take 4. Action. Take 25. Action. Take 78. Take 134. अगर कुछ देर ऐसे ही किया तो वो तेरा रेप कर देगी। अरे बाप रे। ए, मेरी बहन के पास भी मत आना, अपना दिल बदल ले। मेरा दिल कोई मोबाइल का पासवर्ड थोड़ी है जो बदल लूं। अगर प्रिया को नहीं भूला तो तुझे कुछ नहीं करूंगा, उसे मार दूंगा। तो सबसे पहले मेरे सीने में चाकू मार दे, तेरी बहन की जान अपने आप निकल जाएगी। तो पहले तुझे वन मोर। नो मोर। वन मोर। अच्छा। कोई रो रहा है क्योंकि घर जल रहा है, और कोई इसलिए रो रहा है क्योंकि बीड़ी घर के अंदर रह गई है। ये खुद तो काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए लोगों का काम रोक दिया है। सर, ये कैसी बात कर रहा है सर? इसे सिर्फ इसलिए छोड़ रहा हूँ कि ये को स्टार है। अच्छा, सही है, तू तो कमाल एक्टर है, बस एक ही इमोशन तो आता है और वो तू अच्छी तरह निभाता है। गुस्सा नाम के शब्द को कॉमा लगा दिया, आपा पे फुल स्टॉप लगा दिया। जुरैसिक पार्क में फंसे चूहे की तरह हो गई है मेरी हालत। बिना शर्म के कह रहा हूँ, आखिर मैं अपनी बीबी के मंगल सूत्र के साथ सब कुछ बेचकर फिल्म बना रहा हूँ सर। 7 साल पहले एक लड़के ने मेरे पास आकर कहा, मुझे सिर्फ एक मौका दिया जाए। ये नहीं कहा कि हीरो बनना है, कहा कि विलन बनना चाहता हूँ। उस दिन अगर मैंने तुम्हें एक मौका नहीं दिया होता तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री एक महान विलन को खो देती। लेकिन उस दिन तुम्हारी आंखों में जो गुस्सा, घमंड, आग थी, वो आज नहीं दिखाई दे रही है। हमें थोड़ा वक्त दीजिए सर। इस दुनिया में फ्री में क्या मिलता है? वक्त मिलता है सर, इसीलिए वो सबको चाहिए। खड़ी रुक जाए तो बैटरी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें बैटरी भी नहीं लगेगी। इतना कुछ होने के बाद भी कैसे खड़ा है? बिना पावर वाला ट्रांसफॉर्मर इसका पैकअप है सर। अर्जुन, सही है, ये गरम तेवर कैमरा के सामने दिखाना
सवाल जितना ज्यादा मुश्किल होता है जवाब उतना ही लाजवाब होता है। सिगरेट जलाने के लिए लाइटर काफी है ना, तो उसे क्यों जलाना? अरे 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 अरे, अरे। आजकल के डायरेक्टर इतने क्रूर कैसे सोचने लगे? वो डायरेक्टर का इनपुट नहीं है, वो तेरा बेहतरीन आउटपुट है। डायरेक्टर ने उसे पानी में धकेलने के लिए कहा और तूने तो उसे पकड़ कर डुबो ही दिया। अब ये सब कुछ देख रहा हूं तो मैं नहीं जानता कि तब मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब ये करने के लिए मन नहीं कर रहा। इस शहर को क्या हो गया है, एक तरफ नशा तो दूसरी तरफ धुआं। तू कुछ कहता क्यों नहीं है? तू ही बोलना। अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो हमें फिल्म छोड़कर सिगरेट के एड में पेशेंट की एक्टिंग करनी पड़ेगी। इसका एक ही सलूशन है, तुझे एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। अब ये क्या सोच रहा है? किससे मिलना है? वही। मैं समझ गया किससे मिलना है। मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है सर, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। फिजिकली तो जिंदा हूं लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानसिक रूप से मर गया हूं। इसीलिए मेरी सलाह के लिए आए हो। देखो बेटा, भगवान ने तुम्हें अपने आप को बदलने का मौका दिया है, बदल जाओ। देखो, उम्र की वजह से आए बदलाव और मेरी जिंदगी में हुए कुछ खास हादसों ने मेरे अंदर के छिपे हुए विलेन को मार दिया। और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि हारे हुए खेल को जीतना कैसे? मैं तो कहता हूं कि वही खेल खेलो जिसमें तुम जीत सकते हो। समझ में आया? नहीं समझा सर। कह रहा हूं ना, वही कॉमेडी कैरेक्टर और छोटे मोटे साइड कैरेक्टर करता रहता हूं। ए अर्जुन, अरे पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। आपके अंदर का विलन अब तक नहीं मरा है सर, आपकी बातों से समझ आ रहा है। अच्छा, अभी मुझे क्या करना होगा सर? इस परिस्थिति में मैं तुम्हें क्या समझा सकता हूं, बताओ। ओके सर, थैंक यू। अर्जुन, एक इंसान है इंडस्ट्री में आकर बेस्ट विलन कौन है ये पूछने पर मैं ही हूँ ये कहने के हिम्मत रखने वाला इंसान है वो, उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा काम बन जाए। तुम्हारी हार के दो ही कारण होते हैं, पहला दुश्मन की ताकत, दूसरा तुम्हारी कमजोरी। अपने दुश्मन को चुन लो, तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। तुम जिससे सबसे ज्यादा नफरत करते हो उस इंसान की जिंदगी में तुम्हें जाना होगा। तुमने जिस गुस्से और क्रूरता को खोया है तुम्हें उसकी जरूरत है। वो तुम्हें अपने दुश्मन के दुख से ही मिल सकता है। अपने दुश्मन को पहचान लो, उनकी जिंदगी में तुम दस्तक दो। ये गाड़ी कौन रिवर्स ले रहा है? कौन है ये? रुक, आगे मत बढ़, रुक जा, अभी आता हूं। लिफ्ट चाहिए क्या? बंदूक देखकर डर गया। तुझे एक सच बताऊं क्या? तुझसे ज्यादा तो मैं डर गया था। लेकिन तुझे देखकर मैं क्यों डरा? मुझे डरना नहीं चाहिए, वैसे भी हम दोनों तो दुश्मन नहीं है। करेक्ट, सही बोला। तो फिर दुश्मन कौन होते हैं? दुश्मन तो जो हमारा अच्छा करता है ना वो हीरो होता है, जो हमारा बुरा करता है ना वो विलन होता है। ये मैं क्या बक रहा हूं, ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताऊं क्या? हाँ बताओ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। शायद इसलिए तू ऐसा बन गया, साइको बोले तो सन की। तुम्हारा घर आ गया है। पीकर गाड़ी मत चलाना, एक्सीडेंट हो सकता है। अच्छा, ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर का पुजारी मुझे घर तक छोड़ने आया है।
चलता हूँ। तेरी लाइफ में हीरो है या नहीं पता नहीं, लेकिन विलन पक्का है। अपने दुश्मन को पहचान लो। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सबने अपना अपना होमवर्क किया है ना? जिसने अपना होमवर्क नहीं किया है खड़े हो जाओ। ये क्या, होमवर्क नहीं किया तुमने? किया था लेकिन घर पर भूल गया टीचर। जानते हो ना मैंने क्यों मारा? होमवर्क ना करने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए। समझ में आया? तुमने क्यों नहीं किया? मेरे दादाजी मर गए टीचर। बैठ जाओ। तुमने क्यों नहीं किया? ऐसे मेहंदी लगाई है गांव गई थी बोलकर अगर होमवर्क नहीं करोगी तो आखिर में मेहंदी के पौधे बेचकर जीना पड़ेगा। हाथ आगे करो। सुनो। जी सर। सीता को बुलाओ। ठीक है सर। पढ़ाई अच्छे से हो रही है? वेरी गुड। बेचारी टीचर के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था ना? अच्छा, उन्होंने तुम्हें मारा कहीं इसलिए तुमने तो ऐसा नहीं किया? तो फिर किसने किया जानती हो? ठीक है, जाकर अपने पापा को ले आओ। सीता ने मुझे सब कुछ बता दिया है, ये सब तुमने ही किया। मैंने नहीं किया। मान लो गलती की है, ये बात बताने की नहीं। गलती क्या होती है ये समझाने की उम्र है अभी इसकी। इतनी छोटी जिंदगी थी कि घर स्कूल के अलावा कुछ नहीं जानती थी वो टीचर। उन्हें कैसे समझाना चाहिए ये भी समझ नहीं आ रहा। इसे बच्चा समझकर स्कूल में पढ़ा रहा था। बहुत बड़ा हो गया है ये। सोचा था इसको कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगा और पाल पोस के इसको बड़ा किया, लेकिन इसकी माँ की कमी पूरी नहीं कर सका। अब मैं इस गांव को छोड़ के चला जाऊंगा। अगर ऐसे अचानक गांव छोड़ दोगे तो जियोगे कैसे? जीना चाहे तो इंसान कैसे भी जी सकता है। जो सही रास्ते पे चल के जिए वही सही जिंदगी कहलाती है। बेटा गांव आ गया। पापा 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 पापा। सीता, इतना नाम पैसा और शोहरत है और तेरी दुश्मन बस एक लड़की है? हाँ, उसका नाम सीता है। उसकी रगों में जहर दौड़ता है, बिना चाकू से ही गला काट सकती है। उसकी हर एक बात झूठ का पता बताती है। जितनी सुंदरता से पौधे संवारती है वैसे ही किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकती है।
हे भगवान हे भगवान हे भगवान, अगर 10 साल की उम्र में इतना बड़ा धोखा दिया है तो अब तक तो कोई माफिया डॉन बनकर मर्डर कर रही होगी। हाँ, उस सीता की वजह से तूने जो कष्ट उठाए हैं और तेरे साथ साथ हमारी भी जो दुर्दशा हुई है, इसीलिए अब वो लड़की हमारी भी दुश्मन है। तूफान की आहट, अर्जुन नाम का चक्रवात कभी भी किनारे पर आ सकता है, सावधानी बरतने की सूचना। तुम हमेशा ऐसे हंसती रहो, तुम पर कभी कोई मुश्किल ना आए। सीता, अब आखिरी बार हंस लेना। सीता को हंसाने के लिए या रुलाने के लिए राम को ही आना पड़ेगा। आइए सर आइए, सारे टूरिस्ट आइए, वेलकम टू नंदनवन, अली पल्ली घाट टूरिज्म पैकेज सर, प्लीज सर आइए सर, सीता घाट चलना, हम ही चलते हैं। सर मैं आपका फैन हूँ सर। ठीक है, लिस्ट फिर से बताओ। अहरम गुफा, अली पल्ली घाट, फास्ट फॉरवर्ड कर, अहरम गुफा, अली पल्ली घाट, सीता गार्डन, नंदनवन तालाब, रिवाइंड कर, सीता गार्डन, लगेज लेकर आना, कंधे पर डाल ले। सर आप रथी सागर हो ना? Yes, I am. आपकी सारी फिल्में देखता हूँ, बहुत पसंद है सर। अच्छा, 69 देखा है? 69 बार देखा है सर। 69 बार देखा है? हाँ? कैसे? रास्ते में बताता हूँ, आइए। यहाँ सीता नाम की, सीता जी मैं उन्हीं के नर्सरी में काम करता हूँ। नर्स है? नर्स नहीं जी, नर्सरी। हाँ जो भी हो, वो जो वहाँ दूर नर्सरी नजर आ रही है ना, अभी वही होंगी। आप सीता जी को जानते हैं? अर्जुन ये कमीनी सीता है। गाली मत देना उसे, गलत बात। इतनी इज्जत के साथ बदला लेना चाहता है। अब प्लान क्या है? यात्रा में ऐसे नाटक करो जैसे तुम अपने दुश्मन को जानते ही नहीं, पहली बार देखते ही खींच कर एक थप्पड़ मारो। तुम्हारे बदले की कहानी के लिए शानदार शुरुआत। जस्ट वेट एंड सी। शर्म नहीं आ रही, पौधे पर पैर रख रहे हो? अर्जुन वेट किया ना, हमने देख लिया, अब हम चलें क्या? अब तुम अर्जुन हो ना? सॉरी अर्जुन, पहचाना नहीं मैंने। तुम जानते हो तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुमसे दोबारा मिलूंगी। कौन हो तुम? मैं हूँ सीता, तुम्हारी दोस्त। हम बचपन में मिलकर। अर्जुन तुम इस लड़की को जानते हो? रामायण की सीता से लेकर मैं बहुत सारे सीताओं को जानता हूँ, उनमें से तुम कौन? हम जैसे सेलिब्रिटी के लिए ये मामूली बात है भांजे, गांव में जाने पर लोग ऐसे ही बोलते हैं, यहाँ मिले थे वहाँ मिले थे। अब सही कहा, तुम मुझे याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में मेरी इतनी भी अहमियत नहीं है ना। अरे अर्जुन आया है। अर्जुन मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, दीदी हमेशा आपके बारे में बताती है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी दीदी कौन है, तुम बीच में कूद पड़ी, ये कौन है? आप रुकिए अर्जुन, आपको शाम को हमारे घर आना ही होगा, प्लीज दीदी आप बोलो ना प्लीज। बुलाने वाली मैं कौन होती हूँ? और वैसे भी मैं बुलाऊंगी तो आएंगे क्या? आऊंगा ना। ए देख रहा है तेरे स्वागत में कितनी सजावट की है। हमारे फैंस क्लब वालों ने भी कभी ऐसा नहीं किया था। तेरे फैंस का काम लाइट लगाने से नहीं बंद करने से होता है। भाभी आजकल बहुत बोलने लगा है। मेरी बीवी ने रस्ते में रख दिया था तो उस पर गुस्से से। तुम्हारी बीवी पर गुस्सा आए तो? नहीं ऐसा नहीं है मैम साहब। बेजुबान पर उतारोगे? इसकी प्रॉब्लम बच्चा है या बच्ची? ओवर एक्साइटमेंट मत दिखाओ, उनकी अपनी प्रॉब्लम है, पूछ लेंगे तो गलत क्या है, चलो। अरे तुम इंसान हो या जानवर हो? एक छोटी सी बच्ची को मार दिया तुमने, तूने क्या सोचा था कोई पूछेगा नहीं? बच जाओगे? आप लोग जानते भी हैं बात क्या है? तूने क्या सोचा था माँ का गुस्सा बच्चे पर निकालेगा? ए दरिंदे कहीं के, तुझे सेक्शन 302 के तहत। बच्चे को नहीं मारा है उसने, पौधे को मारा है। पौधा? कल नर्सरी आ जाना, एक और पौधा दे दूंगी। जी मैम साहब। ये पागल है क्या? सठिया गई है, पौधे को मारने पर इतना गुस्सा, ये और इसका पागलपन। ना ना ना, आप सेकंड इनिंग मत करना। सीता मैम साहब के बारे में गलत बोलते हो, अगर ये बात गांव वालों को पता चली ना तो गांव के उस तरफ हो गए तुम लोग। वो रास्ता हैदराबाद को जाता है क्या भाई? नहीं शमशान को जाता है। पापा ये अर्जुन है, आपको याद है क्या बचपन में? सुनो वहाँ फूल लगाओ।
पकड़ा गया? प्लेट क्यों बदली तुमने? उसमें कॉकरोच गिरा था। हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठाई? यही बजट मुझे दिया होता तो बिस्तर में दोनों का सीक्वल बना लेता मैं। आपके लिए नहीं, कल सुबह हमारे घर में शादी है। शादी? किसकी? तुम्हारी? तो क्या तुम्हारे पापा की दूसरी शादी? नहीं, मेरी दीदी की। ऐसे मारने से हिचकी रुक जाती है, मेरी माँ ने बताया था। तेरी माँ की जय हो। इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? इतनी जल्दी सीता की शादी कैसे? अरे मैं किससे कहूँ यार। नहीं मामा, हाँ? सुबह शादी है, हमारे हाथ में क्या है? है? तो क्या ऐसे ही छोड़कर जाएंगे? खाना तो खाएंगे ना, क्यों भांजे? अगर सीता की शादी हुई तो तुम्हारे श्राद्ध का खाना सबको खिलाऊंगा। ये अमंगल बात कभी सच ना हो। कैसी बातें कर रहे हो? ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कौन देखता है? इतने दिनों से वही ख्याल रखा है। अब सुनो, काउंटर डायलॉग का वक्त नहीं है, सीरियस सिचुएशन है। हमें कैसे भी करके ये शादी रोकनी होगी। लेकिन कैसे? मेरे पास एक प्लान है। एक बड़ा सा शादी का मंडप है और उस मंडप में हम गेस्ट बनकर के अंदर जा रहे हैं। नमस्कार मुंशी जी। नमस्कार जी। सभी लोग आए हैं ना? हाँ आए हैं जी। हमारे गांव में बस रंभा की ही शादी रह गई है। चलिए चलिए, चश्मा मत हटाने दीजिएगा। सुनो जी, दुल्हन बिल्कुल लक्ष्मी लग रही है। नहीं, लक्ष्मी लग रही है। सबको पता चल जाएगा कि ये बहरे हैं। सीता है? नहीं, लक्ष्मी लग रही है। अरे मेरी घरवाली, मैं कह तो रहा हूँ कि ये लक्ष्मी लग रही है। ए राम, मेरे बेटे का ख्याल रखोगी ना? हाँ जरूर। मजाक समझ रखा है क्या? उसका ख्याल रखना पड़ेगा, वो बहुत नादान है। बहरे हो क्या? हमारा बेटा बहुत भोला है, ये बता दिया ना? देखो बेटी, हमारा अच्छी तरह से ध्यान रखोगी ना? माँ पापा की तरह ध्यान रखो। ससुर की तरह नहीं, माँ बाप की तरह ध्यान रखना होगा। वो तो ठीक है, हमें दो वक्त का खाना तो दोगी ना? बिल्कुल नहीं। क्या बात है, बहू हो तो ऐसी। क्या दो? कोई बात नहीं, दे दो, सिर्फ उसी को। मुझे भी थोड़ा दो। हाँ? मेरे बाद ही तुम्हें, सीनू पहले मुझे दो। हाँ हाँ, हो गया। फ्रूट? मैंने कुछ और ही समझा था। संतरा खाएंगे जीजू? मीठा है ना, मुझे मीठा ही पसंद है। आपको और क्या पसंद है? वो सब पर्सनली बता दूंगा, सबके बीच में कैसे हैं? चलो यहाँ से चलते हैं। ये सब किस लिए? सीधा पॉइंट पे ही आता हूँ। कहिए। हिमालय पर बहुत लोग चढ़े हैं लेकिन पहली बार चढ़ने वाला ही महान होता है। चांद पर बहुत लोग गए हैं लेकिन पहली बार जाने वाला ही इतिहास में रह जाता है। इससे तो मेरे को समझ में आया, मुझे हर अच्छी चीज पसंद है। हमारे पड़ोस में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती थी। गांव में पहली बार कुष्ठ रोग उसी को हुआ था। उन दिनों उस बीमारी का इलाज नहीं था। मर गई। सॉरी। फिर उसके बाद गांव में वो बीमारी बहुत लोगों को हुई, सब लोग मरने से बच गए। पहली बार में सिर्फ डिमांड ही नहीं, साथ में डेंजर भी होता है। फिर भी मुझे वो अच्छी चीज चाहिए क्योंकि मुझे वो अच्छी चीज पसंद है। इस उम्र में ये क्या है, मरेगा तू मरेगा। ए, कौन है वो, सामने आकर बात करो। वो आ रहा है, शुरू हो जा। इस गांव में सीता नाम की कोई लड़की है, ये सीता कौन है? सीता, मेरी होने वाली बीवी का नाम भी सीता ही है। आप उसके बारे में कुछ कह रहे थे ना? भाई, इसको सीता के बारे में बताना है। सर बताइए, सर बताइए ना सर, मैं उससे शादी करने वाला हूँ सर, प्लीज। जो भी हो, पर हम आपको शुभचिंतक हैं। क्या आप दोनों शुभा के आदमी हो क्या? नहीं भाई, आपको शुभचिंतक हैं। आपको सीता के बारे में बता दूं? बताइए ना सर, वही तो पूछ रहा हूं मैं। आप सोचते हैं सीता उतनी अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है तो कोई बात नहीं है सर, बस सुंदर होनी चाहिए, मुझे सुंदर चीज पसंद है। सीता एक बहुत बड़ी बड़ी क्या स्वाभिमानी है, गुलदार है, इनोसेंट है, इंटेलिजेंट है। पहले आप कुछ और बोल रहे थे, अभी कुछ और बोल रहे हैं। सीता एक बड़ी बड़ी क्या, बहुत अच्छी है, बहुत मतलब कि बहुत प्यारी है। वो उसका दिल बहुत अच्छा है। सर आपने ऐसे शुरुआत नहीं की थी, इसी तरह एंड होगा। हाँ अरे एंड चाहे जो भी हो, दिल की अच्छी तो है ना। तो ऐसी की तैसी। तो सीता का कैरेक्टर बैड है, फैमिली बैड। ऐसी लड़की से शादी करना सैड है, बैड बैड बैड। बाहर सारे लोग ऐसी ही बातें करेंगे, तुम विश्वास मत करना। हाँ, दिन रात एक करके वो एक बेकार बूढ़े बाप को पालती है, एक जवान बहन की जिम्मेदारी उठा कर अकेली रहती है। हाँ, वो इंसान। बस कीजिए सर, आपकी बातें सुनकर मुझे जिंदगी में पहली बार खुशी के आंसू आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। को बुलाया जाए। धन्यवाद सर, चलता हूँ सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट सर। सीता बहुत अच्छी लड़की है। जाइए जाइए, शादी में जाइए। आप जिसे फोन करना चाहते हैं
करना चाहते हैं वो व्यस्त है, कृपया बाद में फोन करें। क्या हुआ? बिजी है यार। फिर से ट्राई करो। अरे शादी हो जाएगी यार, अरे ठीक चल गाना। फोन व्यस्त आ रहा है। अरे ट्राई कर तेरा बाबा, ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो जी? वहाँ विवाह शुरू हो गया है, जल्दी आओ, जल्दी आओ जी। ले लो बेटा, अक्षत ले लो। Hi guys, welcome friends, welcome. Meet my wife, Rama, beautiful and smart. अच्छा? Rama, you are crazy. इतनी खूबसूरत लड़की तुझे कैसे मिल गई? Because no one can take a chance with her. That's why I took the lucky chance, smart. कुछ गिर गया क्या? ढूंढ रही हो? वैसे भी अगर कुछ गिर जाए तो दोबारा मिलना मुश्किल है। कुछ गिरा हुआ नहीं ढूंढ रही हूँ, खोई हुई चीज ढूंढ रही हूँ। अंतर क्या है? गिरी हुई चीज ढूंढने में लापरवाही है, खोई हुई चीज ढूंढने में थोड़ी सी ईमानदारी है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं ही तुम्हें याद नहीं हूँ तो ये सब क्या याद रहेगा तुम्हें। वैसे तुम्हें कैसे पता कि मैं यहीं पर मिलूंगी? तुम्हारी शादी टूट गई ना, तो कोई गलत कदम न उठा लो। अच्छा जी, तो तसल्ली देने आए हो? तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं रोने वाली नहीं हूँ, और अगर मुझे इस तरह रोना ही होता ना तो मैं उससे शादी कर लेती। वैसे तुम यहाँ गांव में क्यों आए हो? ये क्या सवाल है? तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? जाओ यहाँ से। चीयर्स। तो खुश है ना? जैसा सोचा था वैसा ही हो गया। प्लान के हिसाब से उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया है। ए, इतना नहीं, बस मेरी दीदी को बता दो। इतनी जल्दी सेटल होने के बाद बता दूंगा। शायद बहुत भूखे हैं, ये भी खा जाइए। खाने पर मीठा और पकड़ने पर मुलायम होता है, क्या है वो? सही बोला बच्चों। क्यों रे, प्यार का मामला है? तुमसे मतलब? कौन है आप? क्या हो रहा है ये सब? जो तुम्हें हर महीने देना था और तुम्हारे देने पर मुझे कमीशन मिलती है, क्या रे? ईमाई है क्या? मैंने मैनेजर से कहा था ना कि बैंक आकर दे दूंगी। तुम्हारे सामने मान कर मेरे सामने करने वाला? मैनेजर भाई। कौन है तू? आप कौन है सर? हमेशा तेरे साथ रहने वाले, तुझे मारने पर भागने वाले, कौन है बता? इसके लोग। अर्जुन, इसे छोड़ दो। थैंक्स जी। बिना मांगे देना चाहिए, देने पर लेना चाहिए। इज्जत। नहीं सर। रख ले, बीच बीच में आकर ऐसे मार खाते रहना। समझ गया, आप उस लड़की को पसंद करते हैं ना? बिल्कुल नहीं। गुस्सा, नफरत। ये क्या है जी? जो सबसे कहते नहीं और मन में रखते नहीं, क्या है? सीक्रेट। वो अंदर का मामला है। ये तो चड्डी का ऐड है ना जी, वो नहीं पहनता ना। चल निकल। ए बच्चों, चल चल रहे। बैंक वाले गुंडों को बेचकर परेशान कर रहे हैं, तो ये नर्सरी किस लिए? बेच कर लोन चुका दो। पापा, ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए नहीं है, ये माँ की निशानी। जिद्दी हो अपनी माँ की तरह। यो जी, देख रही हो ना? आज हमें दो चीजें पता चली, पहले मीनाक्षी और सीनू का प्यार, दूसरी नर्सरी कर्ज में है। अब क्या करेंगे भांजे? कुछ देर उसके आंसू देखकर एंजॉय करेंगे।
क्या हुआ सीता, दुखी हो? मेरा कोई नहीं है अर्जुन, पापा को भी तुमने देखा है, जिसके साथ मैं दुख बांट सकूं, ऐसा कोई दोस्त भी नहीं है। मतलब तुम्हारे पास के बारे में जानने वाला, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में सोचने वाला नहीं, इस पल तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। ओके ना? इस पल मेरे साथ तुम ही तो हो। अर्जुन, अर्जुन, सीता कहीं तो जा रही है। हर पल अपने दुश्मन का पीछा करो। बता कर तो जाओ, कहाँ जा रही हो? ए, तुम तो बताओ कहाँ जा रही है? मुझे नहीं पता। जानने की क्यूरियोसिटी नहीं है क्या? शाम तक आ जाएगी ना। शाम तक आ जाएगी ना, ओके। पिछली बार भी ऐसे ही आ गई थी। पिछली बार? तो इससे पहले भी? हफ्ते के बाद आ गई थी, उससे पहले तो महीने के बाद आई थी। तुम्हारे पिताजी कुछ बोलते नहीं? वो तो अभी आ जाऊंगा ऐसा बोलकर एक साल बाद आए थे। पूरी फैमिली अजीब है। सीता जी, हाँ? पास के गांव से इन पौधों का ऑर्डर आया है, एक बार देखिए। ये पौधे नहीं है हमारे पास, जाओ तुम। हमारे पास तो सारे है ना सीता जी। कह दिया ना नहीं है। उन्होंने तो कहा था कि कहीं भी मिल जाएंगे। ए, ए, तुम क्या देख रहे हो, तुम अपना काम करो ना। रोज फ्लावर्स, मैरी गोल्ड, सब कुछ तो है, झूठ क्यों कहा? मैं तो बस यूं ही से मजाक कर रही थी। अच्छा, ए, अब तुम जाओ। तू रुक रहे, लिस्ट में और क्या है, पढ़ो जरा। जरूर। लोटस। 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 इसका मतलब कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मतलब दूसरा हाथ किसी काम का नहीं, इसीलिए भारत देश में निरक्षरता है। इस गांव में भी तो दिख रही है। सीता, मुझे बताओगी क्या, कहाँ जा रही हो तुम? कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो, ये सब कहने के बजाय ये कह सकते हो ना कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम जहाँ जहाँ, मैं वहाँ वहाँ। आओ, देखा, स्कूल में बच्चों को मारते हैं, यहाँ लकड़ियों को मार रहे हैं। ये कौन है? मैं ना। विजयराज, फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट है। देखकर ही समझ गया था कोई फिल्म वाला होगा। ए, ऐसा क्यों कहा? अगर ऐसा नहीं कहती ना तो उन लकड़ियों की जगह तुम होते अभी। सीता। हाँ, आ रही हूँ। भूख लगी है। आ रही हूँ, शादी में आने की फुर्सत तो नहीं है लेकिन। मैं पहले से जानता था कि उससे तेरी शादी नहीं होगी, इसलिए नहीं आया था। बैठो यहाँ पर। नहीं, पलंग के नीचे बैठ जाओ। सुनो, तुम्हें मिला क्या? अगर अर्जुन मेरे सामने आया ना तो उसे मैं। सुनिए ना, ये विजयराज ना अर्जुन को अच्छे से जानता है, पूछो कि अर्जुन कहाँ है। वैसे भी वो अब हमारे हाथ नहीं आएगा जी, ऐसे गांव से, आप जैसे मिडिल क्लास की जिंदगी से बहुत दूर चला गया वो। एक्चुअली वो चल नहीं रहा है। देखो बेटा, जो धरती की इज्जत नहीं करता उसे आसमान भी नहीं स्वीकारता। तुम कह रहे हो ना कि वो कहीं दूर चला गया है, हर इंसान के बीच बस बात करने की दूरी होनी चाहिए तभी वो इंसान कहलाता है, क्यों सीता? इसने अब तक पाठ पढ़ाना बंद नहीं किया है। अरे, अगर यही बचपन में सिखाया होता तो पांचवी पास हो जाती। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कितनी खुश हो रही है देखो तो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ए, एक मिनट रुको ना, तुम्हारा हाथ दो। Thank you.
अर्जुन याद है क्या? वो घमंडी कहीं का 6 महीने पहले कॉल किया था तो उसने अपने मैनेजर से मुझे गालियां सुनवाई। उसकी तो सारी फिल्में फ्लॉप होनी चाहिए। मुंह बंद कर अपना। अर्जुन अपने गांव आया है, पता नहीं क्यों पर लग रहा है मेरे लिए आया है। समझ गई, तुम्हें नींद में सपना आया है, बीच में मुझे कॉल करके मुझसे बात कर रही हो। वरना वो तेरे लिए क्यों आएगा? वो कहां और तू कहां? वो सुपरस्टार है। तो मैं भी तो अपने गांव की सुपरस्टार हूं। ठीक है, अब अपने सपनों के साथ सो जा। इस वक्त मुझे यूं यहां जल्दी क्यों बुलाया? बताओ क्या बात है, मुझे जल्दी जाना है। सब लोग जन्मदिन पर बुके देते हैं, लेकिन तुम्हारी एज के मुताबिक। मेरी एज मत बताना। वेल विशर, इस पौधे का नाम। ये भी तुम्हारी तरह कहीं भी किसी हाल में खुशी से जी लेते हैं। इसका नाम मेमोरफिलस है। इनको जो पानी मिलता है दूसरे पौधों के साथ बांटते हैं। ये कौन सा पौधा है? देखने में सुंदर है। जंगली पौधा है, मामा की तरह। हर दिन ऐसा ही रहेगा ना? अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो हर पल ऐसा ही रहेगा। सुन बॉबी, एक आदमी ने मार्केट में जाकर भैंस खरीदी। उसे देखने वाला हर इंसान उसे बकरी कहकर पुकार रहा था। आखिर में उसको ये पता चला कि उसने भैंस नहीं बकरी खरीदी है। उसे ईगो ज्यादा है ना, उसने अपनी गलती को सुधारने के लिए उस बकरी को भैंस कहकर पुकारना शुरू कर दिया। क्या कहते हो भांजे? कहानी अच्छी, मुझे क्यों बता रहे हो? सीता के साथ तुम्हारा हंसी मजाक, केक काटना। तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, मेरे साथ आओ। बदले से हुए नुकसान से ज्यादा भरोसा दिलाकर दिए घाव का दर्द ही ज्यादा होता है। मेरे ऐसे होने की वजह मेरे जिंदगी की इकलौती दुश्मन सीता। अनजान व्यक्तियों के साथ हम दोस्ती कर सकते हैं, लेकिन बिना सोचे दुश्मन के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। सीता के बारे में पूरी तरह जानने के लिए ही उसके करीब आया हूँ। खुशी या दुख, सीता को मेरा ही ख्याल आना चाहिए। अगर ऐसा होना है तो उसे मेरा भरोसा होना चाहिए, उसके पापा से ज्यादा, उसकी बहन से ज्यादा। मेरे प्लान से सीता बच नहीं पाएगी। आंसू पोंछने वाले हाथों को, तसल्ली देने वाली बातों को उससे दूर करना होगा किसी भी हाल में। आखिर में दुश्मन को इस हद तक लाना होगा कि कोई हो या ना हो, तुम रहो तो काफी है। ये भरोसा दिलाकर ठीक, जरूरत पड़ने पर तुम वहां नहीं रहोगे। मुझे रुलाकर वो खुशी से जी रही है। मेरे यहां आने से पहले उसकी जिंदगी ऐसी थी। पर उसे इस हालत तक लाना है। तुम्हारे लिए रिकॉर्ड क्या है, तुम्हें हमेशा अपना बदला याद रहना चाहिए ना। रख लो भांजे। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, अच्छा रिश्ता है ना, इसलिए दीदी ने हाँ कह दिया। मेरी शादी कर देंगे ये सुनकर भी बात नहीं करेगा। क्या बात करूं? दीदी से बात करना। तुम्हारी दीदी चिल्ला रही है कि रोज नर्सरी से फूल गायब हो रहे हैं, वो बहन के कानों में जा रहे हैं, वो ये नहीं जानती।
हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। यहाँ से हैदराबाद का रास्ता है ना? क्या कहा, भागने को कह रहे हैं? बस खुशी से जीने को कह रहा हूँ। मगर घर वालों की इज्जत। तुम्हारे भागने पर जो इज्जत जाएगी वो तुम्हारी शादी करके लौटने पर वापस आ जाएगी। सीता यहीं रुको, मैं जाकर बात करके आता हूं। ठीक है। सीता। क्या कहा? नहीं मान रहे, दो दिन में सीज कर देंगे। ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं जाकर बात करती हूँ। सीता, सीता। पौधे खरीदने के लिए पैसे मांगे तो दे दिए। मैंने कहा भी था कि पौधे तुम्हें हवा के सिवा कुछ नहीं देंगे, लेकिन मेरी बात सुने तब तो। आखिरी बार बोल दिया, एक महीने की मोहलत दे रहा हूँ, सारे पैसे चुका दो। और मैंने ये भी सुना है कि वो लड़की आपके लिए बहुत जरूरी है, तो फिर आप ही चुका दो ना उसके पैसे। वो पैसे तुम्हें ले लेना, एक महीने में नहीं दो दिन में सीज होना चाहिए। आ गई? आज फिर कोई कहानी बनाकर आई हो क्या? मैंने कोई कहानी नहीं बनाई थी, बस अपनी परिस्थिति समझाई। मैं परिस्थिति का बहाना नहीं सुनने बैठा हूँ, मैं नर्सरी सीज कर दूंगा। ऐसा मत कहिए सर, अगर वो नर्सरी नहीं रही तो मेरी माँ भी मेरे पास नहीं रहेगी। प्लीज बस एक मौका और। अगर मैं तुम्हारी कहानियाँ सुनता रहा तो हमारे बैंक वाले मुझे नौकरी से निकाल देंगे, तब तुम्हारी उस नर्सरी में मुझे आकर मालिक का काम करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर तुमने दो दिन में 5 लाख रुपए भर दिया तो तुम्हारी नर्सरी बच जाएगी। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। सारे पौधे ऐसे ही छोड़ दिए, दो दिन में ऑर्डर भेजने हैं, जिम्मेदारी नाम की चीज ही नहीं है। अर्जुन तुम जाओ यहां से, मैं बाद में मिलती हूँ तुमसे। अर्जुन तुम ये काम क्यों कर रहे हो? छोड़ो अर्जुन, तुम ये सब नहीं कर सकते। दो दिन में ऑर्डर भेजने, काम कर रहा हूं, डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? जिम्मेदारी नहीं है क्या? इंतजार करना बहुत मुश्किल है भाई। धर्मराज कुछ करेगा, इसका इंतजार करते करते चारों भाइयों ने अपने कंगाल होने तक इंतजार करके सब कुछ गंवा दिया, मिला कुछ नहीं उन्हें। सीता कभी ना कभी मान जाएगी ये सोचकर राम के हाथों मरने का इंतजार करता रहा रावण, कर कुछ नहीं पाया। और रावण जो है अशोक वन का पेड़ क्या बेचारा, घास तक नहीं उखाड़ पाया। अब इस सीता का इंतजार करना भी सर, हमारी सीता हो सीता जितनी महान तो नहीं, लेकिन आपके इंतजार की वजह जरूर बताएं। मुझे वजह नहीं, पैसे चाहिए पैसे। अरे सुनो, और इंतजार नहीं कर सकते, ये नर्सरी जो है ना इसे सीज कर दो। ये लीजिए बाकी के 5 लाख रुपए। नहीं डॉक्टर साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, हमारे हालात ऐसे नहीं, कैसे भी करके आप मेरे पति को बचा लीजिए। क्या हुआ बोलिए। कुछ बोलती क्यों नहीं, 3 दिन से कह रहा हूँ मैं, तुम्हारे पति का ऑपरेशन करना है या नहीं? अगर 5 लाख रुपए लेकर आओगी तो अपने पति को लेकर जाओगी, नहीं तो लाश लेकर जाओगी। पौधों को बचाने से बेहतर है कि इंसान को बचा लिया जाए शायद, आखिर तुम्हारी सीता तो महान है ना। बेटी इन पैसों की जरूरत तो तुम्हें है ना? इन पैसों की जरूरत मुझसे ज्यादा आपको है, हॉस्पिटल जाइए। अब आपको जो करना है वो कीजिए। सोचा था इंतजार में मेरा वक्त बर्बाद हो गया, अच्छा समय चल रहा है, सीज कर दो।
मैंने गलत किया क्या पापा? तुम्हारी माँ कहती थी सीता कभी गलत नहीं कर सकती, अगर कोई गलती भी कर दे तो वो सीता है, इसलिए गलत नहीं है। सही है ना? ये क्या किया? सारे पैसे दे दिए, खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए क्या? पौधे हमेशा देना ही जानते हैं, उनके बीच बड़ी हुई हूं ना, इसीलिए ऐसा किया। वैसे भी मेरे पास कुछ कैसे नहीं है, तुम हो ना मेरे पास। गलती कर दी यार, मुझे नहीं पता कि सीता तेरी दुश्मन है या नहीं, लेकिन सीता को ये सजा देना बिल्कुल गलत है। 5 लाख रुपए 5 सेकंड में बिना कुछ सोचे समझे दे दी। नोट और कागज पर लिख कर दें तो कर्ज होता है, मांगने पर देने को मदद कहते हैं, जरूरत को मार कर दिया जाए तो त्याग होता है। मदद करने वाली को धोखा दे सकते हैं, त्याग करने वाली को कैसे? चल दिया मीनाक्षी, लगता है सीनू है शायद। इस समय दोनों कहाँ जा रहे हैं? ऑटो लेकर आए हो ना? किसी ने तुम्हें देखा तो नहीं? ट्रेन का वक्त हो रहा है। सीनू चलो। कहाँ जा रहे हो? हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। किससे भाग रही हो मीनाक्षी? अपनी दीदी से? पर ये बात तो आपने ही कही थी ना, प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता। अभी भी यही कह रहा हूँ, तुम्हारी दीदी के प्यार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए, वो वैसे भी बहुत परेशान है। सीनू मत जाओ, हमें कोई नहीं रोक सकता, हमें जाना होगा। चलो बाहर निकलो। दीदी दीदी दीदी, मैंने इससे प्यार किया था। दीदी इसने तुम्हें बहन का नहीं बल्कि माँ का प्यार दिया, उसी पर हाथ उठाएगी। चल माफी मांग उससे, मांग माफी मांग उससे। तो जो उसने अपनी शादी के वक्त किया था उसे भी तो माफी मांगनी चाहिए ना। क्या किया इसने? मंडप पर उसने शादी से मना कर दिया तो मेरी इज्जत बचाने के लिए बाहर आ गई है। नहीं एक मिनट मीनाक्षी, अर्जुन से प्यार करती थी इसलिए खुद की शादी रोक ली। जिसे जिम्मेदारी नहीं है उसे सवाल करने का हक नहीं है, सिर्फ दुखी हो सकता है। जब तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म दिया तो उसने कहा था कि मैंने बेटी नहीं आपकी मां को जन्म दिया है। मुझे खुशी होती थी जब गांव वाले कहते थे सीता बहुत अच्छी लड़की है, लड़की हो तो सीता जैसी। अगर वो लोग आकर बोले कि तुम्हारी बेटी ने ऐसा क्यों किया तो कह दूंगा कि तुम सबकी नजर लग गई थी मेरी बेटी को। अर्जुन सीता, माँ की कसम खाकर कहो, हम सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ अच्छे या बुरे लोग ही होते हैं, लेकिन तीसरी तरह के लोग भी होते हैं, महान लोग। 10 साल की उम्र में माता पिता को दुनिया मानने वाली उम्र, ऐसे में माँ की कसम खाकर भी सीता ने झूठ ही कहा। इतना प्यार करती है तुमसे, वो मदद और त्याग के बीच का फर्क भी नहीं जानती। जायदाद पैसा न होने पर भी बहुत
बड़े दिल वाली राजकुमारी है सीता, बड़े दिल वाली राजकुमारी है। यार, सीता को लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे ठीक करूं। मैं नहीं जानता तू क्या करेगा। कल तक बैंक से उस नर्सरी के पेपर छुड़वाने होंगे। देख तो कितना खुश है। अरे अर्जुन, हमारी जिंदगी में तेरा गुस्सा और हमारी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब जा, तेरे ऐसे एक्सप्रेशन से डर नहीं लगता। अर्जुन, सेट रेडी है, अब तेरी परफॉर्मेंस ही बाकी है। टेंशन हो रही है मुझे। अरे भांजे, मेरी मूवी का एक सीन देखना है तुझे। यार, इस वक्त थोड़ी टेंशन तो होनी चाहिए, यही अच्छा है। शायद हम सब दोबारा इतना खुश कब हो पाएंगे। अगर कल सीता आ जाएगी तो हमें जाना पड़ेगा ना। पता नहीं हम कहां मिले थे, मुझे इतने सालों तक क्यों झेला पता नहीं। अगर एक बार पीछे जाकर इसी जिंदगी को तुम्हारे बिना जीना पड़े तो शायद इतने साल जी भी नहीं पाता। रामायण की सीता से लेकर कई सीताओं के बारे में जानता हूं मैं। फ्रेंड मतलब तुम्हारे अतीत को जानने वाला, तुम्हारे फ्यूचर को बनाने वाला नहीं। इस पल तुम्हारे साथ होना चाहिए। खुशी और दुख में सीता को मेरा ही ख्याल आना चाहिए। आंसू पोंछने वाले हाथों को, तसल्ली देने वाली बातों को उससे दूर करना होगा। आज अभी सही, मेरा भांजा हीरो 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 हीरो। तुम हमेशा कहती थी ना, अगर हम किसी को सच में प्यार करें तो हम खुद को भूल जाते हैं। अब मुझे लग रहा है मुझे अपनी जरूरत नहीं, तुम्हारा साथ चाहिए। हम बस अभी तुम इंसान ही नहीं हो। कहते हैं दिल में जो होता है वही इंसान की आंखों में दिखता है, लेकिन तुम्हारे मन की नफरत, आंखों में गुस्सा दोनों नहीं देख पाई। अनपढ़ हूं ना मैं, पागल हूं। इतने सारे प्लान, इतने धोखे, इतनी नफरत, ये सब कुछ मेरे लिए। मेरे पास कुछ हो या ना हो, लगा था कि तुम तो हो। अपना सब कुछ खोने के बाद भी मुझे लगा था कि तुम तो हो, लेकिन मैं अकेली ही रह गई। तुम्हारा धोखा देना गलत नहीं है, मेरा तुम पर भरोसा करना गलत है। कुछ मत कहना, अभी भी मुझे तुम्हारी आंखों में प्यार नजर आ रहा है, लेकिन तुम्हारे दिल में नहीं है प्यार। जो कुछ ना कर पाए मैं वो लड़की हूं
ये बात बहुत सालों बाद याद आई है। तुम लोगों ने याद करवाई। सीता, बचपन में तुम्हारी लाइफ में हीरो बनना चाहता था, लेकिन तुमने नहीं चाहा। फिर से अब तुम्हारी लाइफ में हीरो बनना चाहा, तो अब ठुकरा रही हो। अर्जुन, विलन में भी सारे इमोशन होते हैं, प्यार, दया, भरोसा, सब होते हैं। उन सबको खुद के अंदर छुपाकर बेवकूफ की तरह बर्ताव करने वाला ही विलन होता है। मन में उस लड़की के लिए इतना प्यार रखकर भी बाहर हंसता खड़ा रहा तू, तो उससे बड़ा विलन और कौन हो सकता है? बोल। आप शूटिंग शुरू कीजिए सर, आपका विलन काम करने आ रहा है। मुझे देखना चाहता है कहा था ना तूने? मुझे देखने के बाद देखने लायक कुछ बचता ही नहीं। Hell is back. Got it. बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सर। I am happy. You are back. आप लोग पागल हैं क्या? क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? सीता कितनी दुखी है, कितनी रो रही है, ये देखने के लिए भेजा है क्या? मैं और नहीं रो सकती। वो कहता था तुम खुश हो या दुखी हो, तुम यहीं पर मिलोगी। सीता कितनी दुखी है, कितना रो रही है, ये देखने के लिए नहीं भेजा है, क्योंकि सीता को परेशान करना चाहता था। सीता के रोने पर वो बच्चे की तरह रोया था। जिंदगी में कोई किसी को पूरी तरह नहीं समझ सकता, अगर समझ लिया तो किसी से दूर नहीं हो सकते। अगर अभी भी ये बात मैंने तुम्हें नहीं बताई तो तुम्हारे बीच में भी वही होगा। हम सब ने उस दिन ये पूछा था कि तुम किससे नफरत करते हो, और अगर ये पूछते कि किससे प्यार करता है, तो उसका जवाब भी सीता ही होता। इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हें सौंप रहा हूं। चलता हूं। Yes, film fair is getting bigger this time. तो देखते हैं ये साल क्या होता है. And we have Shourya with us. Shourya, how are you? Yeah, I'm fine. तो आपको क्या लगता है आज की रात कैसी होगी? It's always nice being a part of this event. And बहुत सी खुशियाँ, दुख, mixed emotions. देखते हैं आज की रात कौन emotional होता है? Yeah, thank you so much. One minute. Cameras off कीजिए. जैसा हमेशा कहती हूँ, I'm really a big fan of yours. अच्छा, सही है. कल मिलते हैं, कैमरा ऑन कर। या 60th फिल्म फेयर रेड कार्पेट यहाँ हो रहा है, यहाँ बहुत सारे स्टार्स आ रहे हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन है। यस, हेलो, हाय। हाय, इतने बड़े इवेंट में इतनी सिंपली ड्रेस होकर आई हैं आप, क्या आप हीरोइन हैं? ओके, किसी से मिलने आई हैं क्या? कौन, मैं? हाँ, यहाँ तक लेकर आयो, और ऐसे अकेले क्यों छोड़ दिया मुझे? क्या
क्या देख रहे हो? चलो। कौन हो तुम? बुरा मत मानिए, अंदर नहीं भेजेंगे, इस डर से आपका हाथ पकड़ कर आ रही हूँ। अंदर क्यों आना है तुम्हें? मुझे किसी से मिलना है। किससे मिलना है? अर्जुन। हाथ छोड़। नहीं नहीं छोड़ूंगी। अरे हाथ छोड़ना। अर्जुन और तेरा रिश्ता क्या है? अर्जुन मेरी जिंदगी है। कहते हैं जहां प्यार होता है वहां भगवान होता है। अभी मुझे आप में भगवान नजर आ रहे हैं। अच्छा, इमोशनल डायलॉग मारा रे। एक काम कर, बुलाऊंगा तब आना। 60th फिल्मफेयर अवार्ड्स में नेक्स्ट कैटेगरी इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुन, इधर आना। आना। यस, हमारे पास एक छोटा सा एवी रेडी है। लेट्स हैव अ लुक एट द एवी प्लीज। तो सच में मेरी बड़ी फैन है या एंकरिंग में ऐसे ही डायलॉग मार रही थी? सच में हूँ, प्रॉमिस। आई मीन 4 साल से एक्चुअली। चल ठीक है, मेरा एक काम करेगी क्या? कैसा काम? ओह, अगर ये किया तो मुझे जिंदगी में कोई शो पर नहीं बुलाएगा। अगर कोई शो के लिए नहीं बुलाएगा तो मैं तेरे साथ शादी कर लेगा। ठीक है, चल जा। जाना। ओके। यस, आज पहली बार फिल्मफेयर की हिस्ट्री में एक अनजाना सरप्राइज मिलने वाला है। अगर हमें उस सरप्राइज के बारे में जानना है तो हमें उस लड़की को यहाँ बुलाना होगा। बिना किसी देरी के उस लड़की को स्टेज पर बुलाते हैं। लेट्स वेलकम हर। आइए। सीता। मेरा नाम सीता है। मैंने ऐसा कभी टीवी पर भी नहीं देखा है। इतनी रोशनी, ये सब करने के लिए खर्च होने वाला पैसा अगर हमारे गांव को देंगे तो हम 1 साल जी सकते हैं। ऐसे एक छोटे से गांव से आई हूं। हंस लीजिए, किसी को देखकर हंसने का भाग्य मिला है आपको। लेकिन ज्यादा हंसी मुझे मिले ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं है। मैं यहां किसी से मिलने आई थी, उसकी आंखों में देखकर ये सब बोलने की हिम्मत नहीं है मुझ में, इसीलिए यहां बोल रही हूं। जब तुम्हें देखती हूं तो मेरी आगे की पूरी जिंदगी मेरी आंखों के सामने ही होती है। दुनिया में बहुत से लोगों को महान चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती, कानों से सुनाई नहीं देती। मेरा प्यार भी कुछ ऐसा ही है, सिर्फ तुम्हारे दिल को पता चल सकता है। इस पल जितना प्यार कर सकती हूं उतना कभी नहीं कर सकती। लेकिन ये पल हर दिन हर मिनट आता ही रहेगा। तुम हमेशा मुझे चिढ़ाते हो ना कि मैं 5वीं तक ही पढ़ी हूं। तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी स्कूल गई ही नहीं और किताबें भी नहीं पढ़ी थी, इसलिए तक कल जो कुछ हुआ उसे भूलने के लिए हिम्मत चाहिए, आज जीने के लिए शक्ति चाहिए, कल जो भी होगा अच्छा होगा उसका भरोसा चाहिए। ये सब मुझे तुमने ही दिया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझसे कम करते हो। हम दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उससे बढ़कर हमारे बीच की दूरियों से ज्यादा सब कुछ, सबसे ज्यादा, और आखिर में सिर्फ तुम्हारे लिए इंग्लिश में कुछ कहना चाहती हूं। आई लव यू।
मुझसे इतना प्यार करती हो? बहुत बहुत ज्यादा। उस दिन बारिश में थप्पड़ मारी थी, अब ऐसे रुलाया जैसे बारिश में भीग गया। तुमने ही मुझे रुलाया। The best villain of the year award goes to Mr. Arjun Chakravarti. तुम्हारा नाम पुकार रहे हैं, जाओ। मैं तुम्हारी लाइफ का हीरो बन गया हूँ, अब कोई अवार्ड नहीं चाहिए, तुम ही मेरा अवार्ड हो। ए, one more, no more.